तो दोस्तों आईपीएल 2022 की रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट आप सभी ने देखी ली होगी, अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कौन से ऐसे आठों टीमों से खिलाड़ी है जो कि रिलीज हुए अपने अपनी टीमों की तरफ से, तो पूरी लिस्ट आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आठों टीमों की लिस्ट बताने वाला हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। और अगर आप भी आईपीएल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, आईपीएल के फैन हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो तक पहुंच जाए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत, चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, बराबर से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम राजस्थान रॉयल की टीम के साथ शुरुआत करने वाले हैं। तो राजस्थान रॉयल की तरफ से बेन स्टोक्स, एवन लुइस, डेविड मिलर, मनन वोहरा, अनुज रावत, क्रिस मॉरिस, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवटिया, श्रेयस गोपाल, महिपाल रोमरोर, रियान पराग, जोफ्रा आर्चर, शिवम दुबे, लियाम लिविंगस्टोन, जयदेव नाथकट, केसी करियप्पा, तबरेज शमसी, ओशन थॉमस, मुस्तफिजुर रहमान, एंड्रू टाई, आकाश सिंह, कार्तिक त्यागी, चेतन सकारिया, कुलदीप यादव और मयंक मार्कंडे, मतलब बेन स्टोक्स और मतलब जोफ्रा आर्चर जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी जो है आरआर की तरफ से रिलीज हो चुके हैं। गाइस अब केकेआर की टीम की बात कर लेते हैं, तो केकेआर की टीम की तरफ से भी बड़े बड़े खिलाड़ी हमें रिलीज होते हुए दिखे। ओयन मॉर्गन, टीम सिफर्ट, कमलेश नागरकोटी, हरभजन सिंह, करुण नायर, शेल्डन जैक्सन, संदीप वॉरियर, टीम साउदी, नीतीश राणा, शाकिब अलहसन, पवन नेगी, लॉकी फर्गसन, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, शिवम मावी, प्रसिद्ध कृष्णा, पैट कमिंस, वैभव अरोरा, बेन कटिंग, कुलदीप यादव, गजेंद्र सिंह और दिनेश कार्तिक, ओयन मॉर्गन, शुभमन गिल जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी हमें रिलीज होते हुए नजर आए हैं केकेआर की टीम की तरफ से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल की टीम की। तो दिल्ली की तरफ से जो है श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, स्टीव स्मिथ, अजिंक्य रहाणे, सिमरन हेटमायर, सैम बिलिंग्स, रिप्पल पटेल, विष्णु विनोद, मार्कस स्टोइनिस, टॉम करण, ललित यादव, आवेश खान, कगिसुर अबाड़ा, अमित मिश्रा, उमेश यादव, ईशान शर्मा, प्रवीण दुबे, बेन डॉर्सिस, लुकमान मेरीवाला, आर अश्विन, क्रिस वोक्स, कुलवंत खजोलिया और एम सिद्धार्थ जो है दिल्ली की तरफ से रिलीज हो चुके हैं। और मतलब श्रेयस अय्यर की तो उम्मीद नहीं थी कि श्रेयस अय्यर जो है दिल्ली कैपिटल की टीम की तरफ से रिलीज हो जाएंगे आईपीएल 2021 से, तो ऐसा लग रहा था, पर हो चुके हैं, अब तो देखते क्या होता है। अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की बात कर लेते हैं, तो चेन्नई की तरफ से जो है रॉबिन उथप्पा, नारायण जगदीशन, सुरेश रैना, कृष्णप्पा, गौतम, शार्दुल ठाकुर, ड्वेन ब्रावो, जॉश हेजलवुड, साई किशोर, जेसन भेरेंडॉफ, के भगत वर्मा, हरि किशन, फाफ डुप्लेसिस, अंबाती रायडू, करण शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, मिचिल सेंटलर, लुंगी एंगेडी, दीपक चहर, के एम आसिफ, इमरान ताहिर, रेड्डी, सैम करण और हरि किशन जो है रिलीज हो चुके हैं। सीएसके की टीम की तरफ से भी बड़े बड़े नाम थे, हम ड्वेन ब्रावो की बात कर ले, हम रॉबिन उथप्पा की बात कर ले, मतलब बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जो है रिलीज हो चुके हैं। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों एसआरएच की टीम की बात कर लेते हैं, तो एसआरएच की टीम की तरफ से जेसन रॉय, राशिद खान, डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो, शिवस गोस्वामी, जगदीश सुचित, रिद्धिमान साहा, मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान, केदार जाधव, मनीष पांडे, विजय शंकर, विराट सिंह, प्रियम सिंह, शर्फिन रदरफोर्ड, संदीप शर्मा, अभिषेक शर्मा, जेसन हुल्डर, बैसिल थम्पी, टी नटराजन, सिद्धार्थ कौल, खलील अहमद, भुवनेश्वर कुमार और शहबाज अहमद, एसआरएच की टीम की तरफ से भी इतने खिलाड़ी जो है रिलीज हुए हैं। अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की, तो मुंबई की तरफ से जो है ईशान किशन, ट्रेंट बोल्ट, जयंत यादव, अनमोल प्रीत सिंह, क्रिस लिन, सौरभ तिवारी, आदित्य तरे, क्विंटन डिकॉक, पीयूष चावला, अनुकूल रॉय, कृणाल पांड्या, जिमी निशम, हार्दिक पांड्या, मार्को जेनसन, एडम मेडले, धवन कुलकर्णी, नेथल कुंटल नाइल, मोहसिन खान, युद्धवीर सिंह, अर्जुन तेंदुलकर और राहुल चहर जो है रिलीज हो चुका है हमारी टीम की तरफ से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब आरसीबी की टीम की बात कर लेते हैं, तो आरसीबी की टीम की तरफ से देवदत्त पडिक्कल, अक्षय दीपनाथ, रजत पाटीदार, सुयश प्रभुदेसाई, सचिन बेबी, केस भारत, फिन एलन, मोहम्मद असरुद्दीन, वॉशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, पवन देशपांडे, डेनियल सैम्स, जॉर्ज गार्टन, डेन क्रिश्चियन, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल, स्कॉट कुलगलजीन, टीम डेविड, नवदीप सैनी, वर्निंदु हसरंगा, काइल जेमिसन, केन रिचर्डसन और दुष्मंता चमीरा जो आरसीबी की टीम की तरफ से रिलीज हो चुका है। देवदत्त पडिक्कल भी मतलब बड़े खिलाड़ी थे, तो देखते हैं अब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब पंजाब किंग्स की टीम की बात कर लेते हैं, तो पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से सबसे बड़ा नाम केएल राहुल रिलीज हो चुका है। उसके अलावा एडन मार्करम, मनदीप सिंह, सरफराज खान, शाहरुख खान, क्रिस गेल, डेविड मलान, सौरभ कुमार, जलज सक्सेना, फेबियन एलन, दीपक हुडा, मॉइसेस एंड्रिकेस, उत्कर्ष सिंह, निकोलस पुरन, प्रभसिमरन सिंह, रवि बिश्नोई, आदिल रशीद, मुर्गन अश्विन, हरप्रीत बरार, ईशान पोरल, जाय रिचर्डसन, क्रिस जॉर्डन, रायली मेरेडिथ, मोहम्मद शमी, नेथन एलिस और दर्शन नालकंडे जो है मतलब पीबीकेएस की तरफ से रिलीज हो चुके हैं। तो ये तो थी पूरी लिस्ट, रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट मैंने आपको पूरी लिस्ट बता दी। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, हेल्पफुल वीडियो था, और बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो तक पहुंच जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।